हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए 15 क्वेश्चन का चैलेंजिंग टेस्ट है। तो दोस्तों, आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए आप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों, आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीरंदाजी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए वाटर पोलो, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेसबॉल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए घुड़दौड़, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुश्ती। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी ट्रेकिंग, ऑप्शन डी बेसबॉल। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी जापान। बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्वीडन। आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन बेसबॉल खेल को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसबॉल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी तुर्क, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी पुर्तगाली। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्क ने प्रारंभ किया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए मिजोरम,
ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 9। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सभी को पता होगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती है।